आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ललिता अपने यूट्यूब चैनल सोमलता बेदवाल में आपका स्वागत करती हूँ। जय तारकेश्वर महादेव। तारकेश्वर महादेव आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करे और अपनी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनाए रखे। चलते हैं आज के मौसम की तरफ। आज का मौसम बहुत सुंदर है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई मौसम, इसलिए आज थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। नहीं तो एक हफ्ते से बहुत गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। ये मेरे गमले, देखो सुंदर से फूल खिल लेके, इन पे बढ़िया से फूल खिल रखे हैं। ये देखिए सुंदर से फूल, वाह जी वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। ये फूल खिल रखे हैं, ये एलोवेरा, अब बहुत तेज़ धूप लग रखी है बाहर, पसीना पसीना हो गया। सुबह तो मौसम बढ़िया सुंदर सा हो रखा था, ठंडा सा, फिर धूप लग गई, अब बाहर कड़ाके वाली धूप। बाहर का मौसम इस तरह का हो रखा है, धूप छाई हुई है, आसमान में भी बादल लगे हुए हैं। सुंदर सी नज़ारा इधर देखिए, दिख भी नहीं रहा है मुझे तो कुछ, धूप से दिखाई भी नहीं दे रहा, आंखें चमक रही हैं। मादा, कल रात को तो ऐसे लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश रहेगी कल, मगर आज नहीं रही। भैया हमारे फ़ोन करते हुए, ये भैया मिल गए हमें रास्ते में चलते चलते भैया जी मिल गए हमें। और भैया जी सुंदर सा फूल खिला हुआ है, क्या बढ़िया लग रहा है। मंदिर से भी मंदिर गए थे, मंदिर से आ गए हैं और सब्जी सुब्जी लेके भी पहुंच गए घर पे, और अब बनाएंगे रात का डिनर। तो हाय एवरीवन, हो गई मेरे नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि ये बारिश लग गई, हो बारिश लग गई, कपड़े भीग गए सारे। अरे कपड़े उठा उठा उठा, कपड़े भीग गए माँ। न उधर से भी बारिश आ गई है, देखो आती है। सुबह से बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश आ गई भयंकर वाली। उधर से तो भयंकर वाली आ गई, मगर इधर तो अभी हल्की है। ये देखिए फिर भी कपड़े भीग गए। ये सुंदर सा बारिश का मौसम लग गया, बारिश आ गई बाहर, तेज वाली बारिश, थोड़ा सा ठंडा तो हो जाएगा कम से कम। अब हो गई मेरे दिन के खाने की तैयारी, और तब तक लग गई बाहर बारिश, कपड़े भी ले आए छत से, बारिश लग गई। और रख दिए मैंने दाल, रख दी मैंने चूल्हे में, और दिन की शुरुआत लगभग मेरे 1 बजे से हो रही है आज। कल का ब्लॉग मेरा आधा ही रह गया, कल भी मैंने आधा ही बनाया क्योंकि आजकल टाइम नहीं लग रहा और ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लग रहा। तो दिखाई मैंने हल्की फुल्की सी बारिश आपको, तो बारिश का मज़ा लेते हुए तो बनाते हैं किचन में कुछ चटपटा सा। तो इधर रखी है मैंने दाल, ये दाल उबल रही है, और तब तक बनाती हूँ मैं कुछ और जब तक दाल उबलती है बच्चों के लिए, थोड़ा सा स्कूल से आने वाले हैं बच्चे भी। ये है घी, इसमें मैंने घी बनाया है, और घी के नीचे निकलता है वो जो गढ़वाली भाषा में तो मयड़ो बोलते हैं, जैसे इसको छेना बोलते हैं, घी से फटके जो निकलता है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा 2 कप सूजी। अब इसमें डालूंगी मैं
आधा कटोरी के लगभग सूजी, आधा कटोरी चीनी, थोड़ा सा डालूंगी इसमें दूध। अब इसको करूंगी मेल्ट। मैंने कढ़ाई में इसलिए किया कि क्योंकि कढ़ाई में ही था वो, मैंने कढ़ाई में ही ले लिया। थोड़ा जल भी रखिए कढ़ाई, आप दूसरे बर्तन में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपनी सुविधा के लिए कढ़ाई में यूज़ करा, तो मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं दूध और डालूंगी इसमें, थोड़ा सा दूध और डाल दिया मैंने। इसका डो बना के तैयार करना है मुझे, मतलब लगभग ये गूंद दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने इसको, कुछ देर छोड़ दूंगी मैं, फिर तलूंगी इसको। ये डाल दिया मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने, देखती हूँ आज नया एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं। ये हो गया डो तैयार, ये कर दिया मैंने जो अभी आपको दिखाया था। अब इसमें डालूंगी मैं, तेल गरम हो रहा है और मेरा फोन भी खड़ा नहीं हो रहा, बताओ नीचे गिर रहा हो। ये निकाली मैंने कच्ची, ये छोंदी मैंने दाल, बन रहे हैं चावल, थोड़ा बच्चों के लिए नई डिश भी हो जाएगी ट्राई मारने के लिए। वो खराब ही हो रहा था वो नीचे का, वैसे बच्चे खाते नहीं, उसको खट्टा सा होता है ना वो घी निकालने के बाद। एकदम खट्टा सा होता है, बच्चे खाते भी नहीं उसे। करूँगी अपनी नई रेसिपी तैयार, देखती हूँ आज। मैंने कहा क्या करूँ मैं इसका, थोड़ा ही मैंने कहा सूजी डाल के देखती हूँ इसमें बनते हैं कि ठीक है नहीं बनते हैं, देखते हैं। चलो ट्राई मारने में क्या जा रहा, ट्राई मार लेंगे। सूजी अच्छे से फूल गई है, अच्छे से फूल गई है सूजी इसके अंदर, एकदम मुलायम सी हो गई है। पहले पहले ही अग्निदेव के नाम, लड्डू से बनाऊंगी मैं इसके, लड्डू से ऐसे। और ये गया कढ़ाई में, चीज़ बॉल जैसा बन रहा है। देखते हैं रेसिपी काम आती है। वाओ क्या खुशबू आ रही है, घी है ना उसमें, खुशबू भयंकर वाली खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे घी में तल दी हुई है। कान आप तो आ जा मुझे
सुना दूँ काम काम तू आजा मधुरी सुना दूँ काम कृष्णा तू। देखिए सुंदर सा कलर छोड़ दिया इन्होंने अपना, देखो कल के हो रहे हैं रेडी सुंदर से। निकाल दूंगी मैं इनको बाहर, दिखने में तो बड़े अलग रहे हैं मगर खाने में देखो तब देखिए बनके हो गए हैं रेडी। ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, वाओ कितने सुंदर कितने सुंदर, वाह 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 मज़ा आ गया। अभी चखेनी चाख के बताऊंगी कैसे हो रहे हैं। तो आज की मेहनत मेरी रंग लाई, ये देखिए बहुत सुंदर से बने हैं। अब बच्चे आएंगे तब बताएंगे, चख के बताएंगे कैसे हो रहे हैं। पर वो तो हमारा वैसे मेरे हमेशा ख़त्म ही जाता था, आज उसका थोड़ा सा उपयोग हो गया। शिवांगी ले ये चखियो कैसे हो रहे हैं। ठीक है चख तो ले, आज मैंने नया नया वो करा ट्राई मारा मैंने जरा। हमें तो तेरे को गरम ही देती हूँ, गरम गरम चखने वाला है ना तो सेफ है सेफ। अरे बहुत अच्छे हो रहे दीदी हैं, अच्छे हो रहे हैं। आज मौसम भी बरसात का हो रखा है ना, हल्की हल्की बारिश लगी है। अरे नहीं वो खराब हो रहा था ना पर अच्छा हो गया पता। मैंने घी बनाया ठीक, और घी घी के नीचे का जो मयड़ो बोलते हैं ना छाना बोलते क्या छाना मयड़ू बोलते हमारे वाले, हाँ गढ़वाली में और वैसे छाना बोलते हैं, उसे छाना बोलते हैं। आप लोगों को हिंदी में पता होगा तो हमें बताना, हमें पता नहीं हमें पता नहीं है। पर उससे बनाया मैंने है, उसमें सूजी भी डाली, सूजी डाली और उसमें वो डाला एक आधा कप सूजी डाली और आधा चीनी और थोड़ा सा दूध। अरे बहुत मस्त हो रही दीदी, कल मैं भी घी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी। तू भी बनाना कल, मस्त हो रहे खटा खटा स्वाद आ रहा है, अच्छा हो रहा है। ये बोल रही है मस्त हो रहे हैं, यहाँ पे लग रखा है खा के अभी लग गया हो, मस्त हो रहे हैं। ये बोल रही मस्त हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप भी ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कि कैसे बने, रेसिपी दीदी ने आपको बता दी। मैं तो ऐसे ऐसे ट्राई मारती, मैंने कहा चल यार बना लेती हूँ, ये खराब हो रहा है ना। हो रहा है अच्छा कैसे हो रहा है, मैंने नई रेसिपी बनाई है आज, तू भी चखियो। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना कमेंट करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता रानी की। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।